News 18, India. देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जयपुर में मैं हूँ इस वक्त, कर्तव्य पथ पर। गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। और जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रास्ता है वो बड़ी चौपड़ जाता है। ये जो पूरा रोड शो होगा, जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो यहाँ से बड़ी चौपड़ से होते हुए सांगनेरी गेट निकलेगी। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी राम धुन बज रही है भाई। यहाँ पर भी राम धुन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया जाएगा। राम धुन बज रही है मेरी झोपड़ी में। आइए बात करते हैं। ये एक मिनट। तो राम धुन से स्वागत करेंगे मैक्रों का। राम धुन से स्वागत करेंगे और वो हमारे मेहमान हैं, तो राम जी विराजमान हुए हैं, तो जाहिर है कि हम राम धुन से इनका स्वागत करेंगे। और पूरा संसार राम है, तो राम जी का नाम ही है। और जय जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करने के लिए तैयारियां क्या है। देखिए उस तरफ से रोड शो निकलेगा और इस तरफ अगर आप देखें तो काफी महिलाएं भी हैं यहाँ पर। भाई आप सभी यहाँ किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए आई हैं, मैक्रों जी के लिए आई हैं? मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए इतना तैयार हो क्या है? इतने खुश हो रहे हम लोग कि आपको बता नहीं सकते। क्यों, किस बात की खुशी है भाई? क्या क्या मोदी जी आ रहे हैं, इसकी खुशी नहीं है क्या? हमारे पीएम है। तो क्या तैयारी किया? कोई गाना तैयार किया है? कोई कुछ है, कुछ तैयार किया आप लोग? हमने नृत्य तैयार किया है उनके आने की खुशी में। जी जी। राम लला का सॉन्ग पे। कौन सा सॉन्ग बताइए ना, कोई गाएगा कोई सॉन्ग? चलो गाओ भाभी जी। जी मेरी झोपड़ी के बाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज चले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुले जाएंगे, राम आएंगे। जी हाँ, राम आएंगे। और ये बाबा भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बड़ा खुश है आज आप? बहुत बढ़िया खुशी। अच्छा ये कैमरे में देखिए, बड़े खुश है आज आप? बहुत बढ़िया खुशी। मोदी जी की खुशी में और कहीं खुशी है ली जी? हाँ, ये सुहाई कहीं खुशी है ली। मोदी जी भी आ रहे हैं, मैक्रों जी भी आ रहे हैं। मैक्रों मारे सिर खूब दतार वोट देंगे अगला ही सीजन में। दतार वोट देंगे 24 में? हाँ, क्यों 24 में? आनंद है भगवान का, 500 वर्ष में इतिहास बना है। राम के साथ है, जो राम को लाया है हम राम के साथ है। क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 2024 में मोदी जी ही वापस आएंगे। देखिए प्रभु राम, रामलला विराजमान हुए 22 तारीख को। और ये मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है, जो शोभा यात्रा निकलनी है, वो यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। ये जो पूरा रूट है, एक मिनट अगर उस तरफ हम दिखा पाए, ये जो पूरी आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये पूरा रूट तैयार किया गया है। ये पूरा का पूरा जो रूट है, ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो है बड़ी चौपड़ से लेकर सांगनेरी गेट तक ये पूरा रूट तैयार किया गया है। शोभा यात्रा इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, क्योंकि आपको याद होगा बेस्टिल डे परेड में पिछले साल जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, और अब 26 जनवरी में विशेष मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे। यहाँ कई मंच लगाए गए, बताया जा रहा है कि दिया कुमारी जो कि यहाँ की उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, वो भी यहाँ पर आएंगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो फ्रांस है, इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता हमारा फ्रांस है। रफाल की आपूर्ति के लिहाज से भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो यहाँ नीचे बैठे बात करेंगे, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और काफी उत्साह है जयपुर वालों में। जी हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, हमारे लिए तो भगवान के साथ साथ भगवान आ रहे हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ पे, उसको हम दोबारा साकार करेंगे जी। और जितनी जल्दी है हमारे लिए बहुत है। तो राजस्थानी स्टाइल में वेलकम होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज राजस्थानी स्टाइल में वेलकम होगा। दो महान शक्तियों के प्रमुख आज यहाँ रोड शो करेंगे, अपना हवा महल से लेकर सांगनेरी गेट तक। लोगों में बहुत उत्साह है, इससे व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ का जो हेरिटेज व्यापारी घराने उन सबको मिलेगा, यहाँ पे वो हवा महल से कुछ। ये सबसे, आइए प्रदीप इस तरफ आइए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब इस तरह का रोड शो, आपको याद होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन,
उनके साथ भी रोड शो किया प्रधानमंत्री ने गुजरात में। अब ये इस तरह से जयपुर की सड़कों पर, नमस्ते जी, नमस्ते, तो ये अब जयपुर की सड़कों पर इस तरह का रोड शो जब निकाला जाएगा, यहाँ पर नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं भाई? यार मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आएंगे आज उससे मिलने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं। दिन को 12 बजे से, कितने बजे से? 12 बजे से लग रहा है। वो तो शाम को आएंगे 6 बजे, 6 घंटे बैठे और बैठेंगे जब तक, यहाँ बैठे रहेंगे। कैसे स्वागत करेंगे, क्या सोचा है? जयकारे बुलाएंगे उनका, हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे और क्या करेंगे, और पूरे भारत हिंदुस्तान की जय बोलेंगे। भारत जी आज तो आनंद है, मिल भाई खातर आया जी को आनंद है जी, आनंद ही आनंद है। हमारे साथ भवानी इस वक्त जुड़ चुके हैं, भवानी भी जयपुर में ही है और वो बड़ी चौपड़ चौराहे पर, क्योंकि वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शोभा यात्रा, जो रोड शो है वो निकलेगा। भवानी मैं आपके पास आ रहा हूँ, कितना समय और भवानी? देखिए अमन, 6 बजे रोड शो रवाना होगा जंतर मंतर से, और त्रिपोलिया बाजार जहां से मैं खड़ा हूं, बड़ी चौपड़ यही आएगा। एक तस्वीर में अमन आपको दिखाता हूं कि ये बड़ी चौपड़ यही वो चौराहा जिसके बगल में ही हवा महल है। हम हवा महल के बिल्कुल जो जहां ये कैमरा नजर आ रहा है इसके अपोजिट के अंदर हवा महल है, यहीं पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, यहीं पर मोदी और मैक्रो चाय पियेंगे हवा महल पे, और फिर उसके बाद में तकरीबन यहाँ पर कुछ शॉपिंग भी करेंगे, UPI से पेमेंट भी करेंगे, और फिर ये आपको जो सामने तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से कतार में जो झंडा लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं लोग, आप देखिए कि भगवा बल्लियां लगी हुई है, काफी संख्या के अंदर लोग हैं हमारे साथ में खड़े हैं। आप देखिए हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य हैं, जयपुर के हवा महल से विधायक, क्या कहेंगे आ रहे हैं आज तो मोदी मेट्रो? देखिए दो मित्रों का मिलन है, दो मित्रों का मिलन है, और दो मित्रों का मिलन हवा महल विधानसभा पर इवनिंग टी पर है। इवनिंग टी आप भी पीते हैं, मैं भी पीता हूं, और आज इवनिंग टी में मोदी टी पी जा रही है, और फ्रांस के राष्ट्रपति जी मोदी टी पियेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हमारी तो पहचान है अतिथियों का सत्कार करना, उनका सम्मान करना, तो हमारे को आज बहुत अच्छा मौका मिला है जी, हमारे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवा महल में चाय की चुस्कियां भी लेंगे, इसके अलावा जंतर मंतर, हवा महल, फिर ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कई लोग हैं हमारे साथ भाई, बात करने की कोशिश सबसे करेंगे, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का? बिल्कुल साहब, बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि हम कब से ये उत्सुक है कि हमारे साथ फ्रांस के प्रधानमंत्री जी और हमारे जो जननायक है मोदी जी, जो युग पुरुष है हमारे लिए, वो कब आए तो हम पलक पावड़ा बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं। हम माहौल राम में हो रखा है, आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जी, माहौल राम में हो रखा है, और ये मोदी जी राम राम के बराबर है जी, अवतार ले लिया, विष्णु अवतार है मोदी जी, विष्णु अवतार है योगी जी, योगी जी हमारे हनुमान जी है, राम जी की सेना में। चलिए देखिए ये लोगों की भावनाएं हैं, क्योंकि 22 जनवरी जो 500 वर्षों का संघर्ष और उसके बाद जो रामलला विराजमान हुए, जाहिर सी बात है उसकी छाया यहाँ पर भी है, यहीं से रोड शो जाएगा, यहीं पर हम मौजूद हैं कैमरामैन प्रदीप के साथ, मैं अमन चोपड़ा, जयपुर।